भिवानी के स्वच्छता भारत अभियान इंटर्नशिप 100 आवर्स की शुरुआत के लिए मैं नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश मलिक गांव प्रेमनगर से आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं इस पूरे प्रोग्राम के, वो हमारे मध्य उपस्थित होंगे और हरी झंडी दिखाकर इस प्रोग्राम के शुरुआत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस प्रोग्राम के तहत 5 गांव विश्वविद्यालय ने उनका चुनाव किया है, जिसमें मुख्य रूप से मेन गांव जो है वो प्रेमनगर, इसको चुनने के लिए भी एक बहुत बड़ा इसके साथ तथ्य जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से प्रेमनगर को हमने अडॉप्ट किया है, यूनिवर्सिटी ने अपना गांव अडॉप्ट किया है। प्रेमनगर गांव एक मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार का त्याग करने वाला गाँव है जिन्होंने विश्वविद्यालय के लिए 131 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दी है। तो हमने भी, हमारे वाइस चांसलर महोदय ने भी ये सोचा कि अब क्यों नहीं हम उसी गांव के इस प्रकार का गांव बना दें कि पूरे हरियाणा में वो एक अलग तरह की पहचान रखता हो। उसी के तहत हमने प्रेमनगर गांव को स्वच्छता अभियान के तहत भी इसको चुना है और विश्वविद्यालय ने प्रेमनगर गांव को अडॉप्ट भी किया है। हर एक्टिविटी विश्वविद्यालय प्रेमनगर गाँव में आगे आने वाले समय में करवाएगा। दूसरे जो 4 गाँव हैं, गाँव पालवास, गाँव निनान, गाँव कालवास और गाँव नाथवास को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने इस स्वच्छता अभियान इंटर्नशिप के तहत उसका चुनाव किया है। और इन 5ों गांवों में हमारा प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि पूरा भारत स्वच्छता की तरफ आगे बढ़े, उसके तहत हमारा विश्वविद्यालय अपना योगदान पूर्ण रूप से देगा। और हमें पूर्ण आशा है कि हमारे इन युवा साथियों का जो योगदान, जिस प्रकार से ये आज इस रैली के माध्यम से पूरे गाँव को जागृत करेंगे, उसके माध्यम से निश्चित रूप से हमें ये ऐसा लगता है कि हमारा जो स्वप्न है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। अभी बहुत ही जल्द हमारे मध्य आज के हमारे इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करने के लिए हमारे अपने विश्वविद्यालय के मुखिया उपकुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी हमारे मध्य यहाँ उपस्थित होंगे। और जैसे ही वो हरी झंडी इसको दिखाएंगे, ये सभी युवा साथी पूरे गाँव में इस रैली के माध्यम से गांववासियों को जागृत करेंगे कि किस प्रकार अपने आप को स्वच्छ रखा जा सकता है। इस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करने के लिए माननीय हमारे उपकुलपति महोदय प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी से कि उससे पहले वो हमारे इन युवा साथियों को प्रेरित करें ताकि आगे किस प्रकार स्वच्छता की तरफ बढ़ाया जा सकता है। गांव के सरपंच साहब, सभी और गांव के साथी, यूनिवर्सिटी से मेरे साथी रजिस्ट्रार ओएसडी साहब, कौशिक जी, ओएसडी कंस्ट्रक्शन मलिक साहब और सभी साथी, प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जब हमने भारतीय सरकार द्वारा एक नई पहल इस बार हुई है जिसका नाम है स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप स्कीम। सरकार ये हमेशा से मानती रही है कि यदि भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास जरूरी है। समय समय पर अनेक प्रोग्राम इसके लिए चलाए गए और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब गांव का कोई बच्चा पढ़ जाता है तो वो बाहर शहर में चला जाता है तो दोबारा उसका कनेक्शन गांव से कम रह जाता है। तो जो भी बच्चे आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो गांवों से जुड़े, गांवों की समस्याओं को समझें, क्योंकि आप में से ही बाद में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाएगा, आपने ही डिसीजन लेने हैं, आपने ही काम करना है। तो जब तक आपको गांव की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप सही जो नीतियां हैं वो नहीं बना पाएंगे। इसलिए सरकार का ये एक पहल इस बार किया कि स्वच्छता लाने के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो 2 महीने का उनके पास टाइम होता है समर वेकेशन का, उनको इस प्रोग्राम से जोड़ा जाए। गांधी जी का भी यही सपना था और उनको जोड़ के 2 महीने में किस तरीके से एक आधारभूत परिवर्तन लाया जाए
लोगों की मानसिकता में भी, विद्यार्थियों की मानसिकता में भी, ताकि स्वच्छता एक अपने आप में कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाए और बच्चों में भी गांव की लाइफ के बारे में, गांव कैसे हैं, लोग कैसे रहते हैं, स्वच्छता से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उनकी पूरी की पूरी उनको जानकारी प्राप्त हो पाए, इसी संकल्प के साथ ये स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसमें हायर एजुकेशन हरियाणा सरकार ने भी बहुत जोर शोर से इसमें भाग लिया है। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी 5 गांवों को सिलेक्ट इसमें किया है और कॉलेजेस हमारे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी अपने अपने लेवल पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें हमने 5 गांवों को लिया है, जिसमें से प्रेम नगर जो गांव है वो एक मुख्य हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं 100 आवर्स की ट्रेनिंग करेंगे गांवों में और कोशिश ये होगी कि लोगों को जागरूक किया जाए, ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाए जिससे स्वच्छता अपने आप एक सतत प्रक्रिया बन जाए, लगातार चलती रहे और जिससे कि लोगों के जन जीवन और स्वास्थ्य में आधारभूत परिवर्तन आ सके और उनकी हेल्थ भी अच्छी रह सके। इसके लिए आज हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर सुरेश मलिक जी और इनकी पूरी जो टीम है वो इसमें कई दिनों से लगी हुई थी, उन्होंने प्लान किया था और आज हम इसका शुभारंभ हो रहा है, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ और गांव वालों को ये पूरा आश्वासन देता हूँ कि ये हमारा कोई एक वैसे प्रोग्राम नहीं है कि आज किया और कल हम यहाँ नहीं होंगे। हमने प्रेमनगर गांव को वैसे भी अडॉप्ट किया है, इसकी इस कार्यक्रम के जरिए हमें और हमारे विद्यार्थियों के गांव की समस्याओं को जानकर समझने में मदद मिलेगी तथा आगे भी हमारा कार्यक्रम और प्रयास रहेगा कि किस तरीके से जो गांव और इसके विद्यार्थी या और लोगों को जो समस्याएं आती हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के हम उनको कैसे उनका समाधान कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का एक जो सोच है, विजन जो है वो इसी के ऊपर आधारित है कि हम किस तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाएं ताकि लोगों की सेवा कर सकें, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे जन जागरण के मुद्दे हों, नारियों का सशक्तिकरण की समस्या हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का समस्या प्रोग्राम हो या कोई और भी शिक्षा या अन्य मुद्दे हों, उन सब में हम एक गांव वालों के साथ, शहर वालों के साथ, सबके साथ मिलकर भागीदारी करके उनकी समस्याओं को दूर करना चाहेंगे ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास तेज गति से हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हमारे अपने विश्वविद्यालय के मुखिया प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, जिन्होंने अभी हमारे युवा साथियों को संबोधित किया और आगे की प्लान बताई किस प्रकार से हमने हमारे विश्वविद्यालय ने 5 गांव को अडॉप्ट किया है, वो थोड़ा घूम जाओ, किस प्रकार से 5 गांव को अडॉप्ट किया है, उसकी रूपरेखा क्या होगी, विजन क्या होगा, उस सब के बारे में बताया। और मैं गांव के सरपंच साहब को, गांव के मौजूद आदमी जो यहां उपस्थित है, उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस प्रकार से ऋषि साहब ने कहा है कि ये पूरी टीम लगातार इस गाँव के लिए कर संकल्प रहेगी, हमेशा कोई न कोई किसी न किसी प्रोग्राम का को करते आयोजित करते रहेंगे और एक दिन इस पूरे गांव को ऐसे नक्शे के ऊपर लेकर आएंगे कि इसके पूरे हरियाणा में यदि कोई नाम लिया जाए तो वो प्रेमनगर का सबसे पहला नाम लिया जाए। मैं ऋषि साहब को इसके लिए आश्वस्त करता हूँ और पूरी टीम करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा कि हमारे सभी पदाधिकारियों से, माननीय हमारे सरपंच साहब से, कि वो इस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाकर आगे की इसकी शुरुआत करें। और ये हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ, और अभी सभी युवा साथी पूरे गांव के अंदर इस रैली के माध्यम से जागृत करेंगे पूरे गांव के युवाओं को, पूरे गांव के बुजुर्गों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए जी, थोड़ा
चलो साहब चलिए चलिए चलो 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 रेप्रो ले ले सारे मिलकर बोलो सारे बोलो पिछड़े बोलो बोलो एक ही हम सबका है एक ही नारा साफ सुथरा हो देश हमारा एक ही नारा स्वच्छ हो भारत हमारा साफ सुथरा हो देश हमारा हम सबका है एक ही नारा साफ सुथरा हो देश कुछ नारा तो लगाओ वैसे क्या दिक्कत आती है खाई के बारे में बुरा काम फेंकते हैं आप खुले में तो फिर उसको जलाते फिर मिट्टी में दबा देते हैं आप नेता हो आप यहाँ हो मैं कूड़ेदान में मिठाई नहीं खा रहा हूँ मैं एक सेकंड सामने सारे लोग वही फेंक रहे हैं गाँव में कर रहे हैं चलो इसलिए आज जागरूक कर रहे थे थोड़ा भी पानी पूरा काम फेंकते हैं जी आप पानी वहाँ पे खराब नहीं हो जाता पानी तो क्या यहाँ पे आपके डायरिया वगैरह के केसेस वगैरह मिलते हैं इस तरह के जो साफ सफाई वो बहस उस तरह